Hello everyone, this is the second lecture of electrostatics, and in this lecture we'll talk about Coulomb's law, permittivity and dielectric constant. So let's begin. लास्ट टाइम वी डिस्कस्ड अबाउट इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड इट्स प्रॉपर्टीज, ठीक है। इस लेक्चर में हम कूलम्स लॉ के बारे में जानेंगे, ठीक है। सो कूलम्स लॉ को समझने के लिए हमने यहाँ पर दो चार्जेस लिया हुआ है, चार्ज क्यू वन एंड चार्ज क्यू टू, ठीक है। इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो लेट्स से आर है, और इन दोनों चार्जेस का जो नेचर है वो लेट्स से प्लस प्लस, ठीक है। दैट मीन्स इट इज ऑल्सो ए पॉजिटिव चार्ज एंड दिस इज ऑल्सो अ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो इन दोनों चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे बाय सर्टेन फोर्स, ठीक है। हो सकता था ये प्लस हो, ये नेगेटिव होता, तो ये दोनों क्या कर रहे होते, अट्रैक्ट कर रहे होते, ठीक है, बाय सम फोर्स। तो इन बोथ द केसेस, चाहे वो चार्ज सिमिलर हो चाहे वो डिसिमिलर हो, देयर विल बी अ फोर्स बिटवीन दीज टू चार्जेस, ठीक है। इन दोनों चार्जेस के बीच में एक फोर्स लगेगा। तो कूलम्ब ने एक्सपेरिमेंटली ये फाइंड आउट किया कि जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस के, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के। तो अगर मैं इक्वेशन वन और इक्वेशन टू को अगर कंबाइन कर दूं, तो मेरे पास जो एक्सप्रेशन निकल के आएगा वो हो जाएगा एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर। अब जैसे ही मैं यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाऊंगा, आई विल गेट अ कॉन्स्टेंट एंड देन क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर। सो दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ मैथमेटिकल स्टेटमेंट ऑफ कूलम्स लॉ, दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दैम, ठीक है। अब यहाँ पे जो अपने पास के है, इस के को हम कहते हैं कूलम्स फोर्स कॉन्स्टेंट, के को कहा जाता है कूलम्स फोर्स कॉन्स्टेंट, और इसकी जो वैल्यू होती है दैट इज के इज इक्वल्स टू वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब ये एप्सिलॉन नॉट क्या है और इसकी यूनिट क्या होगी, इसके बारे में हमें नेक्स्ट स्टडी करना है, ठीक है। वंस अगेन, व्हाट इज कूलम्स लॉ? सो कूलम्स लॉ स्टेट्स दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द चार्ज प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। अब यहां पर एक चीज नोटिस करो कि ये जो कूलम्ब्स फोर्स है ये सेम है एज दैट ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन्स फोर्स है, ठीक है। कैसे, वहां पे भी सेम यही होता है, प्रोडक्ट ऑफ मासेज होता है, यहाँ पे चार्जेस है, और यहाँ पे स्क्वायर, ये भी इनवर्स रिलेशन है टू द डिस्टेंस, ठीक है, स्क्वायर रिलेशनशिप है इनवर्स। सो बेसिकली इन दोनों में सिमिलैरिटी तो है, बट डिफरेंस ये है कि अपने पास यहाँ पे जो ये फोर्स है ये अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है, लेकिन जो हम लोग न्यूटन्स का जो फोर्स पढ़ते हैं, न्यूटन्स फोर्स ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, वहाँ पे हम देखते हैं द फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। तो ये एक डिफरेंस है बिटवीन कूलम्स लॉ एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में, ठीक है। सो नेक्स्ट हम लोग इस कॉन्स्टेंट के बारे में जानेंगे और इस एप्सिलॉन नॉट के बारे में जानेंगे कि क्या होता है और इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है। सो लेट्स सी, नाउ जो फोर्स कॉन्स्टेंट है, लेट मी राइट डाउन द एक्सप्रेशन वंस अगेन, एफ इज इक्वल्स टू वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज कि आखिर ये एप्सिलॉन नॉट है क्या। तो इन जनरल इस एप्सिलॉन नॉट को हम कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। नाउ व्हाट इज अगेन परमिटिविटी, आखिर ये परमिटिविटी है क्या, ठीक है। तो परमिटिविटी को समझने के लिए हम लोग दो यहाँ केसेस कंसिडर करने वाले हैं। मान लेते हैं दो चार्जेस है और इन दोनों चार्जेस को हमने आर डिस्टेंस पे रखा हुआ है, लेकिन जो हमने मीडियम लिया हुआ है यहाँ पे, लेट्स से दिस मीडियम इज एयर, तो राइट नाउ ये दोनों चार्जेस जो हैं इनको हमने एयर में रखा हुआ है, ठीक है। इन द सेम मैनर अगर हम यहाँ पर इन्हीं चार्जेस को किसी दूसरे मीडियम में प्लेस कर दें, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से हमने इन दोनों मीडियम को वाटर में प्लेस कर दिया है, ठीक है, सेम डिस्टेंस है दैट इज आर, तो इस टाइम जो हमारा मीडियम है दैट इज वाटर। तो हमने एक्सपेरिमेंटली ये ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे जो दोनों चार्जेस के बीच का फोर्स होगा, दैट इज फोर्स इन एयर, वो डिफरेंट निकल के आया एज दैट ऑफ फोर्स इन वाटर, और इन्हीं फोर्स को अफेक्ट करने वाली जो प्रॉपर्टी थी वो थी परमिटिविटी। सो इन जनरल परमिटिविटी जो होती है वो किसी भी मीडियम की प्रॉपर्टी होती है,
दो चार्जेस के बीच के फोर्स को अफेक्ट करती है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर परमिटिविटी ऑफ एयर है और यहाँ पे परमिटिविटी ऑफ वाटर निकल के आएगा, ठीक है। सो परमिटिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम, मीडियम की प्रॉपर्टी होती है जो दो चार्जेस के बीच के फोर्स को अफेक्ट करती है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इज डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट या फिर रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है। सो लेट्स सी दैट, बट फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन, ठीक है। सो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है दैट इज 9 × 10⁻⁹, द यूनिट विल बी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम कवर करेंगे दैट इज डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिसको हम रिलेटिव परमिटिविटी भी कहते हैं, या फिर हम इसको बोल सकते हैं और आई कैन से रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है। तो अगेन इस टर्म को समझने के लिए एज द नेम सजेस्ट हम रिलेटिव वर्ड पे जाएंगे। रिलेटिव का मतलब है किसी दूसरे स्टैंडर्ड क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में इसकी परमिटिविटी कितनी है। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम के से रिप्रेजेंट करते हैं और ये जो के होता है ये क्या होता है, सो इट इज सिंपली द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम, यानी मीडियम की परमिटिविटी कितनी है टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, या हम कह सकते हैं परमिटिविटी ऑफ एयर, ठीक है। सो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, तो अगर हम परमिटिविटी ऑफ मीडियम को एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट करें और परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस को एप्सिलॉन नॉट से, तो जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा इट इज अ रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो अगर हम किसी भी मीडियम की परमिटिविटी को लिखना चाह रहे हैं इन टर्म्स ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, तो हम लिख सकते हैं के इंटू एप्सिलॉन नॉट। दैट मीन्स द परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम कैन बी रिटन एज डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट टाइम्स द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। तो अब हम जो हमने एक्सप्रेशन अभी पढ़ा कूलम्स लॉ का, उसमें हम कुछ मॉडिफिकेशंस देखने वाले हैं। लेट्स सी वो मॉडिफिकेशंस क्या है। सो अगर हम दो चार्जेस को अगर एयर में रखते हैं एट अ डिस्टेंस ऑफ लेट्स से आर, तो जो फोर्स लग रहा होगा इन दोनों चार्जेस के बीच में वो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट इसलिए क्योंकि अभी हमने जो मीडियम लिया हुआ है दैट इज एयर। सो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। उसी तरीके से इन दोनों चार्जेस को अगर हम वाटर में प्लेस कर देंगे, लेट्स से नाउ द मीडियम हैज बीन चेंज एंड इट इज वाटर नाउ, ठीक है। तो जो फोर्स निकल के आएगा इन दिस मीडियम दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। नाउ सी द डिफरेंस हियर, ठीक है। यहां पर है अपने पास एप्सिलॉन नॉट यानी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और यहाँ पे है एप्सिलॉन दैट इज परमिटिविटी ऑफ वाटर। तो अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को डिवाइड कर दूँ, सो आई विल गेट एफ बाई एफ एम, और लेट्स से एफ एम बाई एफ दैट इज डिवाइडिंग इक्वेशन 2/1, आई विल गेट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 एप्सिलॉन एंड देन Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर ओवर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड देन Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। सो अगर इसको हम कैंसिल आउट कर दें, सिमिलर टर्म्स को अगर कैंसिल आउट कर दें फ्रॉम द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर, इट विल बी एप्सिलॉन नॉट बाई एप्सिलॉन, राइट। अगर मैं इनको अगर दूसरे टर्म्स में लिखना चाह रहा हूँ, सो आई कैन ऑल्सो राइट इट एज एफ अपॉन एफ एम, दैट इज लेट मी राइट डाउन हियर, एफ अपॉन एफ एम इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट। और अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट को ही हम क्या कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो अगर हमें डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट को अगर फोर्सेस के टर्म में डिफाइन करना है, तो हम कहेंगे दैट द डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस प्लेस्ड इन एयर टू द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस प्लेस्ड इन एनी मीडियम। ये जो डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट है अगर इसको हमें परमिटिविटी के टर्म्स में डिफाइन करना है देन इट इज एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और अगर इसको हमें मीडियम के टर्म में डिफाइन करना है, फोर्सेस के टर्म में डिफाइन करना है, देन इट इज एफ अपॉन एफ एम। यहाँ पर जो एफ है दैट इज फोर्स बिटवीन टू चार्जेस प्लेस्ड इन एयर,
और यहाँ पे जो एफ एम है दैट इज फोर्स बिटवीन टू चार्जेस प्लेस्ड इन दैट मीडियम. सो यहाँ से हमने दो टर्म्स को समझा, पहला है परमिटिविटी विच इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मीडियम और दूसरा है डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट या फिर रिलेटिव परमिटिविटी. इसका मतलब है इट्स अ रेशियो ऑफ द परमिटिविटीज, दैट इज परमिटिविटी ऑफ द मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय के. तो जो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा इट विल बी अ यूनिटलेस एज वेल एज डायमेंशनलेस क्वांटिटी, क्योंकि यहाँ पर सिमिलर क्वांटिटीज का रेशियो है. ठीक है, इसीलिए जो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा दिस इज यूनिटलेस एंड एज वेल एज वी कैन से डायमेंशनलेस भी होगा. सो डायमेंशनलेस. सो आई होप कि आपको परमिटिविटी एंड कूलम्स लॉ एंड रिलेटिव परमिटिविटी समझ में आया होगा. ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक. Now in the next lecture we'll talk about electric dipole and electric dipole moment and then we'll study about electric field in detail. Okay, so till then keep learning. See you guys in the next lecture.